हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2016 के कुछ रियल क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हाईली यूजफुल रहेंगे। हालांकि ये स्टेनो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल और एमटीएस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस हाईली इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के ये क्वेश्चंस हैं, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, सिंपल होते हैं, एक लाइन के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक लाइन में आप देख सकते हैं, ही इज़ एंटाइटल्ड टू अ रिवॉर्ड फॉर ऑनेस्टी। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइंड पाथ है, इसको आपको सही करना है, एंटाइटल्ड टू। देखिए, एंटाइटल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एलिजिबल होना, किसी चीज़ मतलब उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए, वो डिजर्व करता है उस चीज को। तो ही इज एंटाइटल्ड, चूंकि ये पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, इसलिए इज एम आर के साथ यहाँ पर एंटाइटल्ड ही सही होगा, ई एन टी आई टी एल ई डी, एंटाइटल्ड। और एंटाइटल्ड के बाद हम टू लगाते हैं, विद नहीं लगाते, यानी ये जो सेंटेंस है ये सही है, और इसमें आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। ही इज एंटाइटल्ड टू अ रिवॉर्ड फॉर ऑनेस्टी, मतलब उसको ईमानदारी के लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो इस चीज़ को डिजर्व करता है, वो इंटाइटल्ड है इस चीज़ के लिए, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइट चूजन फॉर द स्कूल बिल्डिंग इज गुड, मतलब जो साइट, जैसे इंजीनियर्स साइट पर जाते हैं, ओवरसियर साइट पर जाते हैं, आपने आपने सुना होगा इस वर्ड के बारे में। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि स्कूल बिल्डिंग के लिए जो साइट चूज की गई है वो अच्छी है। अब साइट के देखिए कई सारे वेरिएंट होते हैं। इस साइट, यहाँ पर ये जो साइट लिखा है SIGHT, इसका मतलब होता है दृश्य, तो उस सेंस में ये गलत है, ठीक है। इस साइट का मतलब होता है कुछ कहना, साइटेशन जैसे होता है, साइट मतलब मेंशन करना किसी चीज को। तो यहाँ पर जो सही चॉइस होगी वो होगी साइट, SITE। यहाँ पर मकान बनते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग्स बनती हैं, उस साइट की स्पेलिंग है SITE, इसका मतलब होता है दृश्य, SIGHT। इस साइट का मतलब होता है कुछ किसी चीज़ को मेंशन करना, आई साइट मतलब आंखों की जो नज़र होती है उसको बोलते हैं। तो बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ये जो साइट है ये गलत है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, मैटर मतलब कोई भी डिस्प्यूट है या कोई भी सब्जेक्ट है। मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड, मैटर को कंसिडर किया जाना चाहिए, मस्ट बी मतलब किया जाना चाहिए, मस्ट बी के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। द मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड, मैटर को इस मुद्दे को कंसिडर्ड किया जाना चाहिए इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली देखिए, ये सारी चीज़ें आती हैं रीडिंग से, इसलिए मैं अपनी सभी वीडियो क्लासेस में बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करिए। जरूरी नहीं है कि आप हिंदू पढ़ें, इकोनॉमिक टाइम पढ़ें, आप चंपक पढ़ सकते हैं, आप NCERT बुक्स पढ़ सकते हैं, और उसका मीनिंग निकालना है। देखिए, सही इसमें जो फ्रेज होता है वो होता है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, हर दृष्टिकोण से इस मैटर को, हर दृष्टिकोण से मेजर किया जाना चाहिए, कंसीडर किया जाना चाहिए, हर नज़र से, हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये होगा द मैटर मस्ट बी कंसीडर्ड फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका आंसर होगा ए, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन द बिटर कोल्ड फॉर मोर देन 2 आवर्स नाउ, मतलब जो गरीब गांव वाले हैं, देखिए यहाँ पर एक प्रपोजिशन आया है फॉर, तो फॉर और सिंस का प्रयोग हम किस में करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं फॉर और सिंस का, लेकिन ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 आवर्स दिया है, यानी फॉर तो सही है, लेकिन नाउ यहाँ पर एक वर्ड दिया है, इसका मतलब है कि वो 2 घंटे से अभी तक इंतजार कर रहे हैं बिटर कोल्ड में। बिटर कोल्ड मतलब जो नेगेटिव सेंस में इसको हम यूज़ करते हैं, बिटर कोल्ड मतलब बहुत कड़कड़ाती हुई जो सर्दी होती है, उसकी इसमें बात हो रही है। तो यहाँ पर चूंकि नाउ भी लगा है और फॉर भी आया है, तो यहाँ पर ये हैव वेटेड ना होते हुए, ये इसको हम बोलेंगे हैव बीन वेटिंग, ठीक है। विलेजर्स कई सारे हैं, प्लूरल है, तो इसलिए हम बोलेंगे हैव बीन वेटिंग। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी,
सी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सही आंसर होगा। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इस वीडियो क्लास में 20 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। यू मस्ट अकस्टम, देखिए अकस्टम का मतलब होता है अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेना। और अकस्टम के साथ हम लगाते हैं विद, नहीं लगाते इसके साथ, इसके साथ हम लगाते हैं टू। योर सेल्फ सही है, अकस्टम योर सेल्फ टू होना चाहिए, अकस्टम योर सेल्फ टू। ठीक है, यू मस्ट अकस्टम योर सेल्फ टू टू न्यू आइडियाज, मतलब तुम्हें अपने आप को नए आइडियाज के अनुरूप ढालना चाहिए। तो यहां पर अकस्टम योर सेल्फ भी आता है इसमें, योर सेल्फ लगता है इसमें, तो योर सेल्फ तो सही है लेकिन इसके साथ टू आता है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आर ऑफ नीड, इन दिस आर ऑफ नीड, इस जरूरत के समय में क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दोगे। ये विल से हम यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेंड का मतलब होता है उधार देना, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो बोरो वर्ड यहां पर नहीं आएगा, उधार देने की बात कर रहे हैं। विल यू लेंड मी, क्या तुम दोगे, ठीक है, तो बोरो यहां पर नहीं आएगा, लेंड ही आएगा। अब देखिए ये जो फ्यू है, फ्यू हम लगाते हैं काउंटेबल के साथ, लिटिल हम लगाते हैं अनकाउंटेबल के साथ, तो रुपीज काउंटेबल है तो फ्यू तो सही है, लेकिन फ्यू का ये जो वेरिएंट है, फ्यू के तीन वेरिएंट होते हैं, फ्यू ए फ्यू और दा फ्यू, तो यहां पर हम लगाएंगे ए फ्यू, क्योंकि फ्यू का मतलब तो है ना के बराबर, तो इसमें कुछ कुछ रुपए तो आपको देने पड़ेंगे, कुछ अमाउंट उसको देने पड़ेंगे अपने फ्रेंड को, तो यहां पर फ्यू अगर आप लगाएंगे तो इसका मतलब होगा ना के बराबर, तो इसलिए लेंड मी अ फ्यू रुपीज, देखिए लेंड मी यानी रुपीज नहीं होगा, लेंड मी अ फ्यू रुपीज, इसमें यहां पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द कार विद ए बस्ट टायर हॉल्टेड स्विफ्टली, कार थी उसका उसका टायर बस्ट हो चुका था इसलिए वो एक झटके के साथ रुक गई। देखिए हॉल्टेड के साथ हम स्विफ्टली वर्ड नहीं लगाते, स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से। द कार विद ए बस टायर हॉल्टेड स्विफ्टली, देखिए यहां पर एग्जामिनर क्या चेक कर रहा है, यहां पर एग्जामिनर आपकी लैंग्वेज पर पकड़ एक्चुअली चेक कर रहा है। हॉल्टेड हॉल्टेड यहां पर सही वर्ड नहीं होगा, हॉल्टेड यहां पर एक्चुअली झटके के साथ रुकने की बात हो रही है, हॉल्टेड का मतलब होता है कहीं पर रुकना ठहरना। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली चूंकि चूंकि टायर जो कार जो थी उसका वस्ट टायर था, उसका टायर जो था वो वस्ट हो चुका था, तो इसलिए एक झटके का सेंस इसमें आना चाहिए, हॉल्टेड में झटके का सेंस नहीं आ रहा है, हॉल्टेड स्विफ्टली, यहां पर हम बोलेंगे द कार विद ए वस्ट टायर जोल्टेड टू अ हॉल्ट, जोल्टेड टू ए हॉल्ट, जोल्टेड टू ए हॉल्ट का मतलब होता है एक झटके के साथ वो रुक गई, तो सही जो एक्सप्रेशन है वो है सी, जोल्टेड टू अ हॉल्ट, मतलब हॉल्ट हॉल्ट किया उसने, वो रुकी और उसमें एक झटका लगा, जोल्टेड टू ए हॉल्ट का ये मतलब होता है। ठीक है, तो सही एक्सप्रेशन इसमें इसमें ये है आपका सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैनी इंसिडेंट्स ऑफ द लास्ट मंथ सीम अनइम्पोर्टेंट व्हेन व्यूड इन परसेप्शन, देखिए पिछले महीने की काफी सारी घटनाएं अनइम्पोर्टेंट लगती हैं जब उनको देखा जाता है एक कंपैरिजन में, उनको दूसरी घटनाओं के साथ कंपैरिजन कंपेयर किया जाता है, तो जब एक वस्तु को या व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन परस्पेक्टिव, ये भी एक फ्रेज है, इसको हम बोलते हैं इन परस्पेक्टिव, व्यूड इन परस्पेक्टिव, तो सही आंसर होगा इसमें सी, परस्पेक्टिव का मतलब होता है कंपेयर करना उनको, तो सही जो वर्ड होगा इन परस्पेक्टिव होगा। देखिए ये सारी चीजें पढ़ने से आती हैं, रीडिंग से, तो इसलिए रीडिंग बहुत जरूरी है। परसेप्शन का मतलब होता है कि आपका विचार क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, तो इन परसेप्शन नहीं होगा। प्रोस्पेक्टिव, जैसे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होते हैं, मतलब ये पॉसिबल कस्टमर्स हैं, ये कस्टमर हो सकते हैं। परसेप्टिव का मतलब जिसकी नज़र बहुत पैनी होती है वो होता है परसेप्टिव। ठीक है, तो सब वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग हैं इनके, परसेप्शन मतलब नज़रिया, प्रोस्पेक्टिव मतलब पॉसिबल, परसेप्टिव मतलब जिसकी जिसकी नज़र तेज है, परसेप्टिव जो परसीव कर लेता है सारी चीज़ों को, और परस्पेक्टिव मतलब नजरिया, तो इन परस्पेक्टिव एक्चुअली सही फ्रेज है, इन परस्पेक्टिव।
तो यहां पर सी आपका सही आंसर आपका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द यूथ जोल्टेड देयर वेज इन द क्राउड। देखिए यूथ जो जवान लोग हैं, यहां पर किसी आंदोलन वगैरह की बात हो रही है, वो क्राउड में वहां पर घुस जाते हैं, क्राउड क्राउड में से होके, भीड़ में से होके घुस जाते हैं, ऐसी इसमें बात हो रही है। ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा। जो जवान लोग थे, जो यूथ थे, वो जोल्टेड देयर वे, वो रास्ता बनाते हैं भीड़ से होकर, भीड़ में अंदर घुस जाते हैं। तो चूंकि भीड़ एक मीडियम है और इस मीडियम में से होके वो जा रहे हैं, तो मीडियम के लिए हम इन इस्तेमाल नहीं, मीडियम के लिए हम थ्रू इस्तेमाल करते हैं, थ्रू, THROUGH, थ्रू, ठीक है। तो सही आंसर होगा यहां पर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद द आर्ग्यूमेंट इज दैट इवन इफ द टू प्रेमिसेस आर ट्रू देन द कंक्लूजन इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। देखिए इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रूल होता है कि यदि प्रेमिसेस यानी कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स आपके सही हैं, लॉजिक आपका सही है, तो कंक्लूजन भी सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इस आर्ग्यूमेंट में रॉन्ग क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद द आर्ग्यूमेंट इज दैट इवन इफ द टू प्रेमिसेस आर ट्रू द कंक्लूजन इज फॉल्स। तो यहां पर एक्चुअली क्या होना चाहिए, द कंक्लूजन इज फॉल्स, तभी तो वो आर्ग्यूमेंट गलत है। व्हाट इज रॉन्ग विद द आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट के साथ गलत क्या है कि इसके प्रेमिसेस तो सही हैं लेकिन उसके बावजूद भी इसका कंक्लूजन फॉल्स है, कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए। जब प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, लेकिन कंक्लूजन इसमें फॉल्स है, इसलिए ये रॉन्ग है इस सेंटेंस में। तो इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा बी। आई होप ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको। ये एक अच्छा सेंटेंस है और काफ़ी स्टैंडर्ड का ये सेंटेंस है। ये CGL और CPO टीयर 2 में भी ये इस तरह के सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं, जो कि अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, और देखिए ये यहाँ पर ये जो दिया है ये एक्चुअली क्वेश्चन है, और ये जो लाइट ब्लू कलर में दी है ये ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको एक आंसर को चूज करना है। तो ये अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं, जैसे इसमें ये तो डायरेक्ट स्पीच में दिया है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी दिया जा सकता है। जैसे ये है, ये सारे इनडायरेक्ट हैं नीचे जो दिए हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्म में इनडायरेक्ट नरेशन वाला क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, जिसको आपको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से घुमा के ये दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये यहाँ पर दे देंगे और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको यहां पर दे देंगे। तो इसमें देखिए, आई सेड टू हिम यू आर रॉन्ग, ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें दैट का प्रयोग होगा, ठीक है, सिंपल दैट का प्रयोग होगा, और चूंकि ये पास्ट टेंस में है प्रिंसिपल वर्ब, इसलिए यहां पर ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आई टोल्ड हिम, देखिए ये जो यू है यहां पर, यदि आई और वी आता है यहां पर, ये जो मैं लगा रहा हूं, ये यहां पर यदि आई और वी आता है, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, और ये यू होता है, ये इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये यू है, ये हिम में चेंज हो जाएगा, हिम या ही में चेंज होगा, सब्जेक्ट अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग। देखिए यहां पर आई टोल्ड हिम, आई सेड टू हिम का आई टोल्ड हिम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट दिया है, वो किसी से बोल रहा है, तो इसलिए टोल्ड हिम हो जाएगा, आई टोल्ड हिम। दैट इसमें आएगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यू का, ये जो यू है इसका, इसका ही हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, तो ये ही हो जाएगा। और आर जो है ये पास्ट में चला जाएगा, ही के साथ हम वॉज लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ये वाला, ये बी वाला सही आंसर इसमें होगा। तो इसमें आंसर होगा आपका बी। अब ये देखिए सेंटेंस, ही सेड टू बी यू आर लेट, ठीक है। तो इसमें भी टोल्ड आएगा, सेड, सेड से नहीं बनेगा ये, क्योंकि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये व्यक्ति किसी व्यक्ति से कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ऑब्जेक्ट आएगा इसमें, सेड नहीं आएगा, सेड नहीं आएगा। ही टोल्ड भी, ये जो यू है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी का ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट, आई टोल्ड हिम, नहीं ये गलत है, He told me that I was late. ये पास्ट में चला जाएगा पूरा सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल वर्ब है ये पास्ट में है, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर
सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। ये सेंटेंस शायद रिपीट हुआ है, प्रीवियस वीडियो में भी ये सेंटेंस आया था। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स। ठीक है, इसमें तो आपका आंसर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, सी ही होगा। सेड मतलब कहना, आस्क मतलब भी निवेदन करना या कहना। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स, सी ही यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, एक ये क्वेश्चन है और ये इनडायरेक्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, इसका डायरेक्ट बनाना पड़ेगा आपको। तो ही सेड दैट द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। इस वॉज का इज हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट का प्रेजेंट में चला जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर दैट लगा हुआ है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका हो जाएगा ही सेड दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। हैज बीन से नहीं बनेगा ये, हैड से भी नहीं बनेगा, वुडंट से भी नहीं बनेगा। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शी सेड टू हिम आई हैव बॉट अ न्यू कार। शी सेड टू हिम का टोल्ड हो जाएगा, सेड वाला सेंटेंस नहीं आएगा। शी टोल्ड हिम दैट आएगा इसमें, इस हैव का हैड हो जाएगा। अब हैड तो इसमें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हैड केवल इसमें दिया है। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड बॉट अ न्यू कार, सी इसमें सही हो जाएगा। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड बॉट अ न्यू कार। ठीक है, ये हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आई लव चॉकलेट्स सेड एंजेला। देखिए इसमें उल्टा कर दिया है थोड़ा। नॉर्मली ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ये पहले आता है, ये वाला पार्ट बाद में आता है। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट। ठीक है, तो नॉर्मली ये पार्ट पहले आता है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिए, ये अब जब इस पार्ट को हम बाद में लिखते हैं तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब को उल्टा कर देते हैं। हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते एंजेला सैड, हम लिखेंगे सैड एंजेला। यदि इसको, इस वाले पार्ट को यदि हम यहाँ पर रखेंगे शुरू में, तब हम बोलेंगे एंजेला सैड। लेकिन इसको हम यहाँ पर उल्टा कर देते हैं तो सैड एंजेला सही है। एंजेला ने कहा आई लव चॉकलेट्स। ठीक है, तो ये लव का हो जाएगा लव्ड, पास्ट में चला जाएगा, और एंजेला के लिए शी आ जाएगा। एंजेला सैड दैट शी लव्ड चॉकलेट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एंजेला सैड दैट शी लव्ड चॉकलेट्स, बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डू यू नो दैट मैन, रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड। तो इसमें हो जाएगा, चूंकि देखिए क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन। तो ये यस नो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे पाते हैं उसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। जैसे यदि मैं बोलूं आर यू अ स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे यस, यानी ये जो सेंटेंस है ये यस नो क्वेश्चन है। तो यस नो क्वेश्चन के लिए हम कनेक्टर के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर। ठीक है, तो इसका होगा रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही न्यू, नो का हो जाएगा न्यू, इफ ही न्यू दैट मैन। रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ, इसमें इफ नहीं है, ये गलत हो गया। रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही, इसमें नोज है। रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड वेदर ही न्यू दैट मैन। इफ और वेदर दोनों लगा सकते हैं, इसमें इफ वाले ऑप्शन तो गलत हैं, तो इसी को सही हम मानेंगे। रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड वेदर ही न्यू दैट मैन, रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड वेदर ही न्यू और नॉट नहीं होगा, यही इसमें सही आंसर होगा। इसमें सही आंसर होगा आपका सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आई आस्क्ड हिम वेदर ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम। देखिए इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में हैड का यूज हुआ है, इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट स्पीच में डिड का प्रयोग होगा, क्योंकि डिड को हम हैड में चेंज कर देते हैं, तो और इसमें नॉट भी आएगा। देखिए इसमें सेकेंड वाले सेंटेंस में डिड भी दिया है और नॉट भी दिया है, तो इसका आंसर होगा बी। सरल रहते हैं ये, प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तो इनमें आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में और पैसिव वॉइस में। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। रवि सेड व्हाट हैव यू बीन सर्चिंग फॉर ऑल दीज आवर्स। तो ये डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कनेक्टर के स्थान पर व्हाट ही आएगा, दीज का दोज हो जाएगा। ठीक है,
और अफर्मेटिव में लिखा जाएगा. रवि आस्ट व्हाट आई हैड बीन सर्चिंग फॉर ऑल दोज आर्स. दीज का दोज हो जाएगा, ठीक है. और इसमें एक्चुअली यहाँ पर हालांकि दिया नहीं है कि रवि सेट टू मी, लेकिन मान लिया है इसमें रवि सेट टू मी, तो इसलिए मी वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा इसमें. मी वाले ऑप्शन में एक्चुअली ये क्वेश्चन पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न में नहीं बनता ये. रवि आस्क्ड मी व्हाट, व्हाट के बाद हैड आई नहीं आएगा, व्हाट आई हैड होगा. क्वेश्चन पैटर्न में नहीं बनाएंगे इसको, सिंपल अफर्मेटिव पैटर्न में बनाएंगे. तो ये इसका आंसर होगा यहाँ पर. रवि आस्क्ड मी व्हाट आई हैड बीन सर्चिंग फॉर ऑल दोज, दीज का दोज होगा. और व्हाट यहाँ पर हैव बीन का हैड बीन हो जाएगा, लेकिन इसको अफर्मेटिव में लिखेंगे, क्वेश्चन पैटर्न में नहीं लिखेंगे. इसमें व्हाट के साथ यहाँ पर दैट नहीं आएगा जैसे इसमें लगा है. ये दो कनेक्टर हो गए, ये व्हाट भी लगा दिया, दैट भी लगा दिया, ये दो कनेक्टर हो गए यहाँ पर, ठीक है. तो ये गलत हो गया सेंटेंस. इसमें कनेक्टर के स्थान पर केवल डब्ल्यू एच वर्ड ही आता है, दैट नहीं लगाते इसमें. ये एक कॉमन एरर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉमन एरर है. तो इसमें सही आंसर होगा आपका बी. राहुल आस्क्ड मी व्हाट आई हैड बीन सर्चिंग फॉर ऑल दोज आवर्स, ठीक है. आगे देखते हैं, ही सेड टू द चिल्ड्रन कम टू द पार्क विद मी. देखिए ये मी जो है ये हिम में चेंज हो जाएगा. आई और वी को हम, आई और वी को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो इस मी का हिम हिम बन जाएगा, ये जो मी है ना, ठीक है. और हिम इसमें केवल एक में दिया है, हिम केवल इसमें दिया है, इसलिए यही इसका आंसर होगा. ही इन्वाइटेड द चिल्ड्रन टू कम टू द पार्क, टू कम टू द पार्क विथ हिम. इसमें आपका आंसर होगा बी, ठीक है. तो ये 20 क्वेश्चंस थे एसएससी स्टेनो एग्जाम के, लेकिन दूसरे सभी जो एग्जाम्स हैं, सीजीएल है, सीपीओ है, एमटीएस, सीएचएसएल, इन सभी के लिए ये क्वेश्चंस हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे. तो इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको करवाऊंगा. कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप दे सकते हैं. इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.